मान्यवर, अब वक्त है राष्ट्र फिल्म पुरस्कारों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का। इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मान प्राप्त कर रही हैं हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान के लिए हिंदी फिल्मों की जानी मानी प्रतिष्ठित अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी। And ladies and gentlemen, Asha ji is here beaming bright as we move on to the presentation of the much coveted and much awaited Dada Saheb Phalke Awards. We are now first going to play out this short film that talks about the beautiful life and times of our very, very dearest Asha Parekh. Take a look. भारतीय संस्कृति और परंपरा से ओतप्रोत देश हित के कार्यों के लिए तत्पर सामाजिक कार्यकर्ता सोख, चंचल और हसीन अदाकारा आशा पारेख जी। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है 2 अक्टूबर 1942 में। 7-8 साल की थी, बिमल रॉय जी ने मुझे बुलाया और कहा तुम फिल्म में काम करोगी। मैंने एकदम से हाँ कर दी। मेरी पहली फिल्म बाप बेटी में मैंने काम किया। बचपन की छोटी थी जब 10 साल की, तब हमारे प्रोग्राम में डांस करती थी। लेट हो जाता था कभी तो सो जाती थी, तो हम उठाते थे, बिस्किट खिलाते थे और फिर डांस करती थी। मेरी पहली फिल्म एज अ हीरोइन दिल देके देखो थी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। इस फिल्म के बाद आशा पारेख जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। घूंघट, तीसरी मंजिल, उपकार, आए दिन बहार के, कटी पतंग, मैं तो तेरे आंगन की, ऐसी तकरीबन 100 फिल्मों से यह अदाकारा अपनी पारी और मजबूत करती गई। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करती हुई आशा पारेख ने उस समय के सभी सुपरहिट अभिनेताओं के साथ काम किया और दर्शकों ने भी उनको हर एक के साथ सराहा। आशा जी, इतनी फिल्में साथ काम किया है, आज खुशी तो होगी मुझे। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आ। कटी पतंग got the Filmfare Best Actress Award. हिंदी के अलावा गुजराती फिल्मों में मैंने काम किया है। एक थी अखंड सौभाग्यवती, जिसमें मुझे स्टेट अवार्ड मिला था एज द बेस्ट एक्ट्रेस। शी वाज आल्सो ए वेरी ब्यूटीफुल कथक डांसर और उनका एक बैले भी करती थी। आशा पारेख एक परिपूर्ण नृत्यांगना है, कथक हो चाहे भरतनाट्यम या फिर वेस्टर्न पॉप म्यूजिक, आशा पारेख ने हर रूप में अपनी छाप छोड़ी। व्यवहार कुशल आशा पारेख 1994 में सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनाई गई। वो फिल्म सिटी की डायरेक्टर भी रही। इतना ही नहीं, आशा पारेख जी को फिल्म सेंसर बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनने का गौरव भी प्राप्त है। बुरे शब्द नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, इसलिए मैं काफी स्ट्रिक्ट रही हूँ और कुछ लोगों को ये बात मेरी बहुत अच्छी लगी और कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी। तकरीबन 4 दशक तक बड़े पर्दे पर अपना परचम लहराने के बाद भी आशा पारेख जी ने अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति की गाड़ी को थमने नहीं दिया। डायरेक्शन का शौक तो बहुत था ही पहले से, और सबसे पहले गुजराती सीरियल ज्योति बनाई मैंने। जीवन में कई सारी जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ आशा जी सामाजिक कार्य से सदा जुड़ी रही। जब महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ आई थी, उस समय आशा पारेख जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ काफी अनुदान दिया। She has done a lot of social work also. उन्होंने बहुत सुंदर सा एक हॉस्पिटल भी बनाया गरीब जनता के लिए। विलक्षण प्रतिभा की धनी आशा पारेख को ढेरों अवार्ड मिले, फिल्म फेयर, नृत्य शिरोमणि, विश्व गुर्जरी, कला रत्न और कई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाली आशा पारेख को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। आपका एक मकसद होता है कि हमें ये हासिल करना है, और उसके हासिल करने के लिए आपको तन से, मन से और श्रद्धा से उसे पाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर आपने कुछ पाया है तो उसे बांटना भी बहुत जरूरी है। आज पूरा देश आशा पारेख जी की उपलब्धियों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
फिल्म जगत में इनके विशेष योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म पे जो चलते चलते आज ये अवार्ड जो मिला है, शी इज वेल डिजर्विंग गर्ल। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस टू यू आशा जी। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट आशा जी। कंग्रेचुलेशंस आशा जी, गॉड ब्लेस यू। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करती हूं कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे आएं। द वेट इज ओवर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द मच कवेटेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जोरदार तालियों के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि मंच पर पधार रही हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए बहुमुखी प्रतिभा संपन्न दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख जी, जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय से हम सभी फिल्म प्रेमियों का दिल जीता है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारेख जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में 1952 में विमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा, और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय से हम सबका दिल मोहती रही। And the renowned actor in classical news, Ms. Asha Parekh's contribution to the Hindi cinema is unparalleled and highly distinguished. She began her innings in 1952 with Bimal Roy's Ma, and then she continued to represent the myriad aspects of the Indian woman for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with Dil Deke Dekho in 1959 through milestones like Jab Pyar Kisi Se Hota Hai, Ghoonghat, Bharosa, Teesri Manzil, Baharon Ke Sapne, Karwa, Chirag, Badan, Main Tulsi Tere Aangan Ki, and much, much more. 1959 की फिल्म दिल देके देखो, लेकिन उनका सफर बेहद ऐतिहासिक फिल्में उन्होंने अपने इस फिल्मी सफर में हमें दी हैं। तीसरी मंजिल, दो बदन, उपकार, चिराग, कारवां, बहारों के सपने, मैं तुलसी तेरे आंगन की, और फिल्म कटी पतंग से अपने शिखर पर पहुंची। हिंदी सिनेमा में अप्रतिम योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित आशा पारेख जी। Dada Saheb Phalke Award in recognition for Asha Parekh's cinematic excellence. And now I request a very, very own and wonderful Asha Ji to speak her mind, her emotions. Ma'am, hum aapko sunna chahenge, sab aapko sunna chahenge, pura desh aapko sunna chahega. Ladies and gentlemen, please Asha Parekh. Please welcome Asha Parekh Ji. Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, Honorable Minister for INB, Shri Anurag Singh Thakur, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, it is a huge honor to have received the Dada Saheb Phalke Award. It makes me very grateful that the recognition comes to me just one day before my 80th birthday. This is the best honor I could get from the Government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. Our film industry is the best place to be in, and I would like to suggest to the youngsters who are in this industry to have perseverance, determination, discipline, and to be grounded. And I congratulate all the awardees tonight. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, और आपके 80वें जन्मदिन के लिए जो 2 अक्टूबर को है, एक बार फिर तालियों के साथ जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। फिल्म जगत में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए आपको समस्त देशवासियों की ओर से हार्दिक बधाई।